मेरा सादर प्रणाम। गुरुकुल ऑफ चौधरी साइंस, जैसा अभी अरुण बंसल साहब ने बोला, ये एक साइंस है। मैं तो इसको शुरू से साइंस मानता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। 17-18 साल एज ए सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन में हूँ, तो कभी मैंने संस्कृत आचार्य लिया नहीं। आज बहुत अच्छा लगा सुन के कि शायद इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से आगे प्रयोग किया जा सकता है। मैं पिछले सम्मेलन में बताया, जब मेरे बच्चों ने बोला पापा आपका नाम फॉर्म में इंजीनियर बनो या ज्योतिष जाने, एक बार तो मैं भी रह गया कि क्या बोल रही है बेटी। यदि पापा फिर सोच लो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन इंजीनियर बनो या ज्योतिष जाने, मैंने कहा बेटा 2-3 महीने दे दे और उसके बाद कर लियो। एपीजे स्कूल में है, मिस्टर बेरी साहब प्रिंसिपल है, उनसे मिला। मैंने कहा भारतीय शास्त्र नासा रिसर्च कर रहा है, कासिनी यान जा रहा है और बता रहा है पेट्रोल डीजल पाए जा रहे हैं, और हमारा शास्त्र तो इतने टाइम से बोले जा रहा है। आज मुझे दिक्कत ये हो रही है कि फॉर्म में सीबीएसई के मैं ज्योतिष आचार्य बोलूं या इंजीनियर बोलूं। उन्होंने मुझे बोला आपको मैं चीफ गेस्ट बुलाऊंगा, क्योंकि वहां पेरेंट्स मीटिंग का प्रोग्राम होता है, चीफ गेस्ट बुलाऊंगा और आप थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ विचार रखना। मैं आईआईटी में भी होके आया, बहुत सारी चीजों की रिसर्च की, मैंने देखा ज्योतिष। अभी हमारे गणेश गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला कि ज्योतिष जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा ये तो मैजिक है। अब मैजिक कैसे है, हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है मुझे ये प्रॉब्लम है तो हम क्या कहते हैं, तेरा ठीक कर देते हैं। तो अंबानी हमारे घर पे होते हैं, हमारे सारे बच्चे टॉपर होते हैं, 18 लाख बच्चे इस साल आईआईटी जी के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, सारे बच्चे हमारे ही हो गए आईआईटी के अंदर। लेकिन ज्योतिष गलत तो नहीं है, तो मैजिक। आप सब लोगों ने जिनी सुना होगा, जिनी होता था ना, जिनी को रगड़ते थे जिन निकलता था और हमारी विश पूरी करता था। भगवान ने भी जिन बनाया कि जो अच्छा इंसान होगा ना उसको जिन मिलेगा, और जब वो जिन को रगड़ेगा जिन निकलेगा उसकी मुराद को पूरी करेगा। आप हमें से कौन कौन उस जिन को पाना चाहते हैं, तो ही नहीं सभी पाना चाहते हैं। चलो जय ज्योतिष बोल के बोल दो जो पाना चाहते, जय ज्योतिष। और प्रभु को दिक्कत हुई कि मैं ये कैसे जज करूं कि आदमी ठीक है या गलत है, और जिन छुपाऊंगा। तो कहानी में पता लगा समुन्द्र के अंदर चिराग होता था, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। मैं भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, प्रॉब्लम तो देखो सबको होती है, मुझे भी हुई थी, मैं भी गया। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा कि जिस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो हमारे को एक ही जगह मिलती है, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष। और इस बात के लिए गर्व करना चाहिए और जय ज्योतिष बोलना है, क्योंकि हम सब इसी ज्योतिष फील्ड के अंदर सब लगे हुए। अब ये जिन कहां से मिलेगा, मुझे किसी ने बोला 4 लेड के पीस ले लो, 4 नारियल ले लो, अपने ऊपर से वार के जल करवा लो। मैंने कहा सही होगा क्या इससे, कहते इससे राहु ठीक हो जाएगा। राहु को पता कैसे लगेगा कि मैं आपके लिए जल करवा कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। मैं ज्योतिष का बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष पढ़ाता हूँ, बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पता तो लगे कि राहु को कैसे पता लगेगा कि मैं तुम्हें मनाने आया, ये शनि को कैसे पता लगेगा कि मैं आपको मनाने आया। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी अगर देखें और नासा की रिसर्च देखें और 7th क्लास को याद करें, कैपलर थ्योरी हमने पढ़ा है, रेफर थ्योरी हमने पढ़ा है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है, इतने सारे साइंस ने एल्गोरिथम दिए, लेकिन कोई भी अनाश मेरे ख्याल से 90% भी ठीक नहीं है। क्यों, आज हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम एक एल्गोरिथम टेबल्स को ले लेते हैं, लॉग टेबल की तरह इसको यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, बट हमने नासा के अनाश के ऊपर तो काम किया ही नहीं, इसीलिए सारे सॉफ्टवेयर में और अनाश पद्धति में डेटों का फर्क है। तो मैं दोबारा जिन पे आता हूं, अब जिन कहां से लाए या राहु को कैसे बोले, तो एक वर्ड हमें समझ में आया, प्रोग्राम करना पड़ता है, हर चीज को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो जब हम उपाय करते हैं उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड होता है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, अगर मौका लगा तो लंच के सत्र के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को मैंने किस तरीके से कनेक्ट किया है मैं आपको बताऊंगा। हमारा 7th-8th क्लास का टॉपिक होता था FBTA, F माने फील, B माने बिलीव, T माने थॉट्स और A माने एक्शन।
लॉ प्रोटेक्शन का भी नियम है, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये बहुत समय से चला हुआ है। हमने क्या किया, जब भी कोई रेमेडी करना है पहले उसको फील लेके आना है, फिर उसके बिलीफ सिस्टम को जज करना है, फिर थॉट्स लेने हैं और एक्शन लेना है, तो स्वतः ही काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब कैसे, शनिदेव जी के मंदिर गए, शनिदेव का प्रकोप तेज चढ़ाना है, शनिदेव जी को कैसे पता लगेगा हम क्या ठीक करना चाहते हैं। हमने क्या किया, अपनी कुंडली को ध्यान किया और उस ग्रह को उस भाव को ध्यान करके जब तेल अर्पण किया तो हमारा बिलीफ सिस्टम शनि महाराज जी से कनेक्ट हो गया और हम अंदर से ये पालने लगे कि ये प्रॉब्लम है, ये हमें बताइए, इस चीज को हम इस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। समय के भाव के कारण मैं बोल पाऊंगा, आदरणीय अतिथि राजी को जाना है, दो शब्द करेंगे और आप सब यहाँ पे आए हैं उसका हार्दिक धन्यवाद।